अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू टू ऑल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ चाइनीज़ स्पैगेटीज़ रेसिपी, जो कि मैंने थोड़ा देसी लुक इसमें दिया है। जैसे सबसे पहले आपने देखा कि मैंने यहाँ बेक पॉलर की स्पैगेटीज़ ले ली हैं और इनको मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है, ठीक है। पीसेस इसके मैंने कर लिए, ज़्यादा छोटी नहीं करनी आपने, जस्ट नॉर्मल। और अलग से मैंने यहाँ पे बॉइल्ड वाटर लिया था, जिसमें मैंने सॉल्ट और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें स्पैगेटीज ऐड किए हैं। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसमें सॉल्ट और ऑयल डाला था, सबसे पहले वाटर में, उसको फिर थोड़ा बॉयल होने दिया था, देन हमने इसमें स्पैगेटीज ऐड की थी। और इसको आपने इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो नेक्स्ट अब हम इसकी मैरिनेशन की तरफ आएंगे, जो चिकन की मैरिनेशन हमने करनी है। इस तरह से मैंने बोनलेस चिकन मैंने घर में खुद ही कर ली थी। मैंने जो है चेस्ट इसका जो है पीस ले लिया था और अलग से इसमें थोड़ी सी बोन्स भी निकलती हैं, तो ये मैंने सेपरेट कर ली थी, ठीक है। अलग से बोनलेस आपने ले लिया और इस तरह छोटे से पीसेस आपने इसमें बना लेने हैं, ज़्यादा छोटे नहीं करने, नॉर्मल जैसे आप चाहें, ठीक है। तो इसमें शेप आप चाहें तो लंबा शेप भी दे सकते हैं चिकन को, जैसा आप चाहें सब। फिर मैंने यहाँ पे लिया है विनेगर, वाइट विनेगर लिया है मैंने, यहाँ सिरका लिया है वाइट, 1 टीस्पून के बराबर आपने डालना है। और सेकंड नंबर पे मैंने लिया है सोया सॉस और ये है मस्टर्ड पेस्ट। ये सब तीनों चीज़ें मैंने 1 टीस्पून ली हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने ये इस तरह लिया। और अब हम यहाँ आ जाते हैं स्पाइसेस की तरफ। इसमें मैंने बहुत कम स्पाइसेस यूज़ किया है, ठीक है। इसमें मैंने सबसे पहले जो है ये लाल पिसी हुई मिर्च जो थी ये ऐड की है 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ली है और 1/2 टीस्पून के बराबर ही मैंने यहाँ कुटी हुई मिर्च ली है। तो ये सिंपल सी रेसिपी है जो आप घर में इजीली बना सकते हैं, बहुत थोड़े से टाइम में जो है आप इसको बना लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। इसके बाद हम लहसुन का पेस्ट ले लेंगे, सॉरी अदरक का नहीं, लहसुन का लिया है मैंने ये सिर्फ, ठीक है। और इसको मैरिनेट हम करेंगे कम से कम जो है 15 से 20 मिनट्स आप कर सकते हैं, यानी कि इतना आपने इसको मैरिनेट करना है जब तक आपकी स्पैगेटीज़ वगैरह बॉयल होती हैं। और जब तक आप इसका अलग से तैयारी करना शुरू करेंगे, जैसे जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं हमारी, तब तक के लिए इसको आपने मैरिनेट करना है। और यहाँ पे मैंने सॉल्ट एंड में डाला है। आप मेरे चैनल पे जो भी रेसिपी देखेंगे उसमें सॉल्ट मैं लास्ट में डालती हूँ। अच्छा, ये बोर्ड जी इसका एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल मैं यूज़ करती हूँ अपनी डेली रूटीन में, तो मैंने मैरिनेशन में ये ऑयल भी ऐड किया है। आप जो है कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ किया। तो इस तरह से इसकी मैरिनेशन का टेस्ट बढ़ता है और बहुत जल्दी मैरिनेशन आपकी हो जाती है। सो यहाँ पे अब हमारी इस स्टेज पे जो है स्पैगेटीज़ जो है यहाँ सॉफ्ट हो रही थी और अच्छे से बॉयल हो रही थी। इसका भी ध्यान आपने रखना है कि बहुत ज़्यादा ये इसको ना गलाएं आप, ठीक है। मैं बेक पॉलर की मैक्रोनी स्पैगेटीज़ यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मुझे क्वालिटी हमेशा इनकी अच्छी लगती है। मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही यहाँ पर, जस्ट मैं जो यूज़ करती हूँ वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टैनर पे रख लिया था और इस पे मैंने ठंडा वाटर ऐड किया था ऊपर, ठीक है। इसको स्टैनर पे रख देना है स्पैगेटी जब आपकी बॉयल हो जाए। अब यहाँ वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे गाजर लिया है और शिमला मिर्च ली है। सिर्फ ये मैंने 2 गाजर ली और 2 छोटी मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है। अब हम फ्लेम की तरफ आ जाते हैं। अब फ्लेम पर मैंने जो है अपनी रख दिया था जिसमें मुझे पकाना था। यहाँ पे मैं ईवा ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये कुकिंग ऑयल है जो कि मैं अपने हर खानों में जो है हमेशा यूज़ करती हूँ। अपनी नॉर्मल लाइफ में जो है मैंने ईवा ही हमेशा यूज़ किया है, बहुत लाइट वेटेड ऑयल है ये। तो यहाँ पे मैंने अपने अंदाजे से जो है 2 से 3 टेबल स्पून जो है यहाँ पर ऑयल ले लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हमने गाजर ऐड करनी है, इसको फ्राई करना है हमने। और हमारी अदर साइड पे चिकन भी मैरिनेट हो चुकी थी क्योंकि इस दौरान में मैंने जो है
मैरिनेट करने के बाद अपनी वेजिटेबल्स जो है कटिंग वगैरह की थी, तो उस टाइम तक के लिए उसे मैरिनेट के लिए मैंने छोड़ दिया था। सो होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी करना है। एंड नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे मैरिनेशन हमारी जो चिकन की थी वो अच्छे से हो गई है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा ये देसी लुक देकर इसको बनाया है। हमेशा हम चाइनीज़ ही देखते हैं कि स्पेगेटीज़ जो है चाइनीज़ स्टाइल में बनती हैं, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है। तो ये है, अब हमें यहाँ पे चिकन ऐड करनी है। गाजर मैंने पहले इसलिए डाल दिए थे कि गाजर को थोड़ा गलने में टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने पहले गाजर ऐड कर दिए थे। आप चाहें तो आप चिकन भी पहले ऑयल में डाल सकते हैं, लेकिन चिकन हमारी ऑलरेडी मैरिनेटेड थी, तो इस वजह से मुझे चिकन को ज़्यादा देर नहीं पकाना था, तो इसीलिए मैंने गाजर पहले ऐड किए हैं, ताकि गाजर थोड़े सॉफ्ट हो जाए हमारे और थोड़े जल्दी गल जाएँ चिकन के साथ, क्योंकि चिकन तो गलने में बहुत ही शॉर्ट टाइम लगाती है, और मैरिनेटेड चिकन तो बहुत ज़्यादा ही जल्दी जो है गल जाती है। तो ये जो है मज़ेदार सी रेसिपी यहाँ पे बन रही है, और यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। सारी मैंने एक एक चीज़ आपको देखकर जो है और अच्छे से मैंने कोशिश की है कि मैं जो है आपको समझा सकूं, और हर चीज़ सामने मैं कर सकूं, आपके हर चीज़ दिखा सकूं। तो ये देखें यहाँ मज़ेदार सी ये चिकन और गाजर हमारी फ्राइड हो गई है। इसको मैंने मीडियम फ्लेम रखा था, ज़्यादा तेज़ आपको फ्लेम नहीं रखना है, इसमें मीडियम फ्लेम यूज़ करते हैं, ज़्यादा तेज़ चूल्हे पे नहीं बनती ये चीज़ें। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो हम आपको बता रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि आप अच्छे से समझें। और ये जो है यहाँ पे हमने शिमला मिर्च ऐड कर दी है। अच्छा, शिमला मिर्च भी बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसका भी इतना इशू नहीं है, इसको भी आप लास्ट टाइम पे भी डाल सकते हैं, इवन कि आप इसको 5 मिनट पहले भी ऐड कर सकते हैं अपनी जो भी डिश बनाई बहुत जल्दी गलती है। जैसे हम कीमा बनाते हैं तो उसमें भी ये डालते हैं, वो भी रेसिपी मैं आपको दूंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने सॉल्ट जो है थोड़ा सा यूज़ किया, क्योंकि मैंने मैरिनेशन में भी सॉल्ट यूज़ किया था, और स्पेगेटीज़ में भी बॉयल करते वक्त भी मैंने सॉल्ट ऐड किया था। तो इस स्टेज पे आपको सॉल्ट का बहुत ख्याल रखना है, बहुत कम सॉल्ट डालना है। तो यहाँ पर सालन हमारा इसका सॉस जो बनाया था हमने वो रेडी था, और अब यहाँ हमने डाल देनी है स्पेगेटीज़, जो बॉयल्ड स्पेगेटीज़ थी। इस पे मैंने ठंडा पानी भी डाला था, जैसा आपको बताया था कि स्टैनर पर रख के मैंने जो है इसमें ठंडा पानी ऐड किया था, मतलब नॉर्मल पानी। अब यहाँ पे ये मिक्स होने के बाद अच्छे से हमारी बहुत मज़ेदार सी स्पेगेटीज़ बन गई हैं, और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये मैंने देसी स्टाइल में बनाई है, जो कि मुश्किल से आधा घंटा आपको लगेगा। सो रेडी टू ईट एंड इन्जॉय योरसेल्फ। आप जल्दी से इसको बना सकते हैं, और फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।